अच्छा गुड इवनिंग ऑल मीडिया फ्रेंड्स ऑलरेडी तो वी आर ऑलरेडी दिस स्टार्टिंग फॉर द FMJF दिस इज 2018 या हम लोग ऑलरेडी 18 से कर रहे हैं FMJF तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग नवी मुंबई में FMJF को स्टार्ट किया फिल्म मीडिया बिजनेस अकाडमी दिस इज यूनिक कंसेप्ट तो इसको लेके हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी हम लोग ने 5 साल कवर किया इसको लेके जो ये हमारा 6th edition है season 6 है बोलता है इसको FMJF का। इसमें हम लोग ने सोशल कोर्स में जो समाज के लिए जो काम किया है ऑल ओवर इंडिया इंडिया से बाहर से भी कई लोग आते हैं तो हम लोग ने कम से कम अभी ये जो स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 3000 अवार्ड्स हम लोग ने दे चुका है इंडस्ट्री में सभी लोगों को तो फिल्म मीडिया एंड फैशन और ये सब इंडस्ट्री अकाडमी सब इंडस्ट्री एंड मोर देन 100 डॉक्टरेट है और बाकी जो सोशल कोर्स में जो काम किया डिपार्टमेंट से काफ़ी लोग मिनिस्ट्री से काफ़ी लोग ये सभी लोगों को हमने अवार्ड दे चुका है इतना कम से कम ये 5 साल से ये जो 6th edition अभी हम लोग जुगो में आज कर ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग ने अभी हमारा जो गेस्ट चीफ गेस्ट में अभी हमारा जो महाराष्ट्र का DG है अपना जो आने वाला है मेरा बात हो गया ट्राफिक में है अभी श्री कृष्ण अपना कृष्ण प्रसाद जी अभी ऊना का पहले का कमिश्नर था और दूसरा जो अपना ये प्रेम चोपड़ा जी हमारा जो डॉक्टर प्रेम चोपड़ा जी सोमा जी एक मिनट आ जाओ ना आ जाओ आ जाओ पास है मतलब जो आउट ऑफ स्टेट्स है अभी मतलब बॉम्बे छोड़ की जो हमारा जो चक्कर में बॉम्बे छोड़ की काफ़ी लोग अभी बाहर मतलब छत्तीसगढ़ हो गया झारखंड हो गया दिल्ली से केरला से साउथ साइड से भी काफ़ी लोग से ना आ जाओ तो ये सब चीज़ ऑलरेडी चलते रहते तो ये हमारा जो कंसेप्ट ऐसा है इसको एक यूनिक कंसेप्ट है और इसमें अपने लोग इस तरफ का अवार्ड फंक्शन करते हैं ठीक है ना भाई तो ये चलते रहते ठीक है यहाँ खड़े थे इधर आ जाओ सेंटर में आइए मैडम और सेकंड क्वेश्चन सर ये अवार्ड के अलावा आप और दूसरे कौन से जो सामाजिक काम है जिनको विद्यार्थियों को लेकर जो हम लोग अभी जो सामाजिक देखो अभी हम लोग को जो कर रहे हैं हमारा जो एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो मानवाधिकार के लिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन के साथ हम लोग जो काम कर रहा है ये तो बहुत सालों से कर रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन मैं 3 साल पहले कम से कम 70 से यूएन में डिप्लोमेट्स में हम लोग भी काम किया था और अभी डिप्लोमेटिक मिशन जो हमारा है उसको लेके हम लोग ने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को लेके कम से कम हमारा जो 20 स्टेट में हमारा लोग एम्बेसडर्स जो काम कर रहे हैं उसके बाद आउट ऑफ कंट्री में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं उसको लेके भी हम लोग हर साल इंडिया में हर साल यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार डे का सेलिब्रेशन हम लोग जो करते हैं ऐसा कोई नहीं करता तो पिछले साल भी हम लोग December 17 को सगारा शहर में प्रोग्राम किया मानवाधिकार डे को लेकर इसमें और इसमें हम लोग और एक कंसेप्ट हमारा है जो फैशन इंडस्ट्री को लेकर वुमन एम्पावर के लिए हम लोग ने जो मैगजीन हमारा जो फैशन निश मैगजीन है जिसका भी कॉफी बुक्स होता है फिर निश्का जो फोटोशूट होता है फिर ब्यूटी पेजेंट होता है ये सब चक्कर को भी हम लोग काम करते हैं। फिर हमारा दूसरा एक अवार्ड सत्र है जीनियस एक अचीवर समाज इसमें जीनियस पर्सनैलिटी को हम लोग ने अवार्ड करते हैं जो अभी पिछले साल भी काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया था और इसका पहले भी उदित नारायण जी और रसा मुराद जी ऐसे काफ़ी लोगों के हमने डॉक्टरेट ऐसा सा ऑलरेडी अवार्ड से तो ऐसे हम लोग ये सब चक्कर को लेकर काफ़ी सालों से अभी काम कर रहा हूँ इंडिया में भी काम कर इंडिया का बाहर भी हमारा वो भी काम कर रहा हूँ ऐसा ऑलरेडी चल रहा है। सर ये आज के अवार्ड में कौन सेलिब्रिटी के किस तरह के सेलिब्रिटी आ रहे हैं? सेलिब्रिटी अभी देखो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी हमारा से ऑलरेडी कमिटमेंट किया है और अभी उसमें देखो अभी प्रेम चोपड़ा भी है अभी ओंटी बेना है और भी कुछ सुभाष बेरी है और भी कई लोग कई प्रोड्यूसर कई डायरेक्टर्स अभी हमारा जो केरला से जो जो प्रोड्यूसर्स है डायरेक्टर्स है ये सब केरला से आया तो ये सब हमारा जो सपोई सर है और ये बहुत सारे ये सब है ना ऑलरेडी बाहर से भी कई स्टेटों से आया राजनीतिक को ऐसा है हम लोग मोस्टली अभी इन्विटेशन तो हमारा ऐसा है हम लोग सभी को इन्विटेशन देते हैं अभी हम लोग गवर्नर को इन्विटेशन देते हैं उनसे हमारा बात होता है CM साहब से भी बात हो गई उनका मेल भी आया हमको और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने बताया था वो भी हमारा ऑलरेडी था ऑलरेडी और सभी लोगों में अभी मिनिस्ट्रीज में अभी CM होगा डिप्यूटी CM होगा गवर्नर होगा बाकी ऐसी इसका पहले भी रामदास नाटवाले जी ऐसी कई लोग ऑलरेडी आया गया हमारा प्रोग्राम में आया गया होगा आप लोगों को मालूम होगी आप लोग सब आते रहते तो आप लोग अच्छा सर जी ये अपने अवार्ड का नाम क्या और कितने साल से कर रहे हैं आप? वही तो मैं अभी बता रहा हूँ FMJF जो कंसेप्ट है ये कम से कम 5 साल के ऊपर से कर रहे हैं तो फिल्म मीडिया बिजनेस अकाडमी फैशन को लेके ये कंसेप्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं 18 से स्टार्ट किया था तो अभी 2003 में चल रहा है तो कम से कम मोर देन 5 ईयर्स तो ऑडियंस के लिए हम चाहेंगे आपका नाम इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है मैं बेसिकली एक ह्यूमन नेचर आदमी मतलब मेरा जो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ये करने का जो थी मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होता है तो मेरा जो टाइटल्स बहुत है
तो ऐसा देखो तो मैं अम्बेसडर हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में इंटरनेशनल में, और उसके बाद मैं डिप्लोमाट मिशन का एक्टिविटीज़ में है। मैं ऐसे डॉक्टरेट का भी मेरा कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी का मेरे पास कई फंडामेंटल राइट्स को लेकर, पीस को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर मैंने काम किया, इसका अवार्ड्स मिला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया है, ऐसा ये भी दिया, तो ये चीज़ें ऑलरेडी है। तो ऐसा अभी गूगल सर्च में आप मेरा नाम डालेंगे तो अम्बेसडर डॉक्टर अनिल नायर डालेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगा, हमारा काफ़ी एक्टिविटीज़ का वो मिलेगा। तो आप लोगों को खुद मानिए। लास्ट क्वेश्चन सर, कि जिस तरीके से आने वाले जो समाज और सेवक रहते हैं इन लोगों के लिए अवार्ड आपसे आप तक पहुँचना और इनको काम का जो है उस काम को बताना, इसके लिए आप क्या उनको अवेयर करेंगे? अभी खुद अभी कई स्टेटों से अभी आप लोग आए, अभी आपकी तरफ से आया जो मीडिया का जो प्रेशर से काफी बहुत दूर से आया, बॉम्बे का मीडिया से दूर, अभी बाहर से भी मीडिया से काफी लोग आए, ठीक है ना, ये भी किधर से आया, दूर से आया, आप भी दूर से आया, कई स्टेट कई औरंगाबाद से आया, तो कई जगह से लोग आते रहते हैं मीडिया भी, तो ये सब चीज़ ऑलरेडी है, तो आप लोगों को खुद मालूम है इसमें क्या है कैसे, तो अपने हिसाब से आप लोग उसको ये कर सकते हैं। और कोई कुछ लोग बोलना चाहेंगे किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ? देखो अभी बात कर रहे हैं, ये देखो अभी पीछे बहुत लोग खड़े हैं, अभी अपना बहुत कोई साहब है ना, मतलब देखो मैं तो कम से कम 10 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ मुंबई का, इंडिया में, सॉरी इंडिया का। मैंने एक्चुअली ऐसा बताया तो मैं जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अभी 10 साल से इंडिया में काम कर रहा हूँ, और मैं कई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया मेरा, कई लोग अभी यूएन में कनेक्टेड हूँ, कई रॉयल फैमिली से आउट ऑफ कंट्री से मैं कनेक्टेड हूँ, और दूसरा अभी हमारा से कम मोर देन 50 का ऊपर NGOs हमारा प्रोत्साहन लेके, हमारा जो स्ट्रक्चर लेके काम कर रहे हैं, कई लोग उसको लेके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कई लोग एक्टिविटीज़ ऐसा इवेंट्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कई कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी है, कश्मीर में भी हमारा लोग काम कर रहे हैं, कन्याकुमारी में भी काम कर रहे हैं, कई स्टेटों से, केरला से भी आया, कई स्टेटों से लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ ऑलरेडी पहले से है, तो उसको भी मुझे, मैं तो अभी एक कॉमन मान तरफ से मैं उसको सबको ये करते रहता हूँ। अच्छा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपको बुलाया है इन्होंने, इसके बारे में बोलिए कुछ, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सोमा माझी है, नताशा नाइटी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। मैं फैशन इंडस्ट्री में कम से कम अभी 10-12 इयर्स हो गए, और अनिल जी का एक बहुत खासियत है, ये MFBFF एक अवार्ड शो का ये है जिसमें सारे जितने भी नए टैलेंटेड हैं उनको ऑनरिंग करते हैं, अप्रोच करते हैं, और लोगों तक उनका नाम पहुंचता है। देन हम लोग इतना काम करते हैं तो बहुत कम लोग ऑनरिंग करते हैं, तो दैट ही इज़ दैट वन ऑफ पर्सन क्योंकि हम लोगों को इनवाइट करते हैं और हम लोगों के टैलेंट को ऑनरिंग करते हैं, हम लोगों को अवार्ड देते हैं फॉर हम लोगों का अचीवमेंट के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी लाइक ग्लैड टू लाइक पार्ट ऑफ दिस। जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनके लिए आप क्या दे रहे हैं? मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी, उन लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, ऐसे ही सब लोग आगे बढ़ ऐसे अचीवमेंट्स पाएँ। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गुड विशेस हमेशा हम लोगों के साथ है, और मैं भी चाहूँगी क्योंकि मैं भी ऐसे आगे सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और ऐसे ही मैं अचीवमेंट करती हूँ। अपने बारे में मैडम कुछ बताएंगी, आगे कुछ प्रोजेक्ट जो कर रही हैं आप? मैंने अभी एक मूवी में आइटम सॉन्ग किया है प्यार में कुर्बान, वो भी जल्द रिलीज़ होने वाली है, और देन मेरे बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं। मेरा इंस्टा आईडी सोमा माझी ऑफिशियल है, वहाँ पे मेरे सारे काम, मेरे फैशन के रिलेटेड मेरे एल्बम्स मेरे अपडेट होते रहते हैं, और अभी अपकमिंग बहुत सारे साउथ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी आप लोग पर्दे पर देखेंगे। सर आप बताइए आप कहाँ से आए? आप आइए सर, आगे आपका इंट्रोडक्शन बताइए। आई एम रॉय मैथ्यू फ्रॉम केरला, आई एम ए फिल्म मेकर लास्ट 40 इयर्स इन द 3 इयर्स। माई रिसेंट मूवी वॉज इन टूलिगा, ऑलरेडी गोट मोर देन 25 अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, इट्स ट्राइंग टू रिलीज बाई ऑगस्ट, एंड इट्स close friend of me for last 10 years. So I'm very happy to be here in this function and wishing all the success for this function. तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया से आया, इधर आइए सर, कम। यस सर, आई एम तुषार कुमार, आई एम बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम गेटिंग द अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड पॉपुलर एक्टर, सो इट इज क्वाइट गुड। This year has been really lucky for me because there are 5 music videos that I have done,
उसमें से तीन ऑलरेडी जी म्यूजिक पे है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ हैं। सो और मैं एक और रीज़न से आया, यहाँ मेरी एक मूवी ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रही है कॉम्प्लिकेटेड इशू, सो बेसिकली उसका सॉन्ग हम यहाँ शूट करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ रिलीज़ होगी और मूवी वहाँ पर रिलीज होगी। वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये नॉमिनेशन और अवार्ड मिला एंड रियली वांट टू थैंक FNBAF एंड पर्टिकुलरली अजय सर को, मेरा आना यहाँ पे काफ़ी सार्थक रहा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। सर आप भी कुछ कह रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम केरला, सो आई एम द चेयरमैन ऑफ ओसाके ग्रुप ऑफ कंपनी। टुडे आई एम ओनली द वन ऑफ द गेस्ट एंड माय वाइफ इज रिसीविंग वन ऑफ द ऑनरी PhD फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी टुडे फ्रॉम दिस इवेंट। सो माय वाइफ विल से अबाउट समथिंग अबाउट दिस थिंग्स। He is also in Osaka Group. She is the one of the director of Osaka Group of company. It's a very big travel agency. Madam, आप भी कुछ जरा दो शब्द बोल दो। Running a travel management company since 1993. So we are completing 30 years of service in the travel industry. I am the director of the company. Today I am getting an honorary doctorate from American University and I am very happy that I am nominated for this. थैंक यू। ताल्लुक रखता हूँ, एक फिल्म आ रही है संविधान एक रास्ता, उसका निर्माता डायरेक्टर भी हूँ, हमारे साथ कृषि विद्यापीठ कुल सचिव हमारे हिवराड़े सर भी है और नसीब सर भी है, मुंडे सर भी। हमारा मकसद ये है, सर का जो मकसद है वही समाज के अंदर काम करने का है, इंसानियत को आगे लाने का काम अनिल जी कर रहे हैं और आज हमको भी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। अनिल जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सर। एक दो फोटोग्राफर मेरा प्लान है फिल्म करने का। मैं जो अभी तीन म्यूजिक वीडियो किया है उसमें तुषार जी ने मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि ये इंडिया में भी ये काम करें और इनको अपॉर्चुनिटी मिले। सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर जितने भी लोग इनको दें अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले आपको नहीं है यार, नेपोटिज्म। और मैं छोटे शहर से आता हूँ, उसी शहर से भी आते हैं, तो हम दोनों ने एक टीम वर्क किया है और काफ़ी अच्छा गाना है, लेकिन उस गाने का हम लोग को उतना व्यूज नहीं मिला है बिकॉज कि हमने पब्लिसिटी नहीं किया, डिपेंड ऑफ बजट। लेकिन हम ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और हिम्मत को बढ़ाकर गाय काम करते रहेंगे। तुषार जी को मैं आगे चल के और सारे भी काम दूंगा, ये मैं मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाइफ से बड़ा रिलीजन तो नहीं है ना, तो दिल में कि ये आस्था है, आपके विश्वास चले तो मत, उसको रिलीजन बिजनेस भी मत, इसी में कोई भी इसी दुनिया में सब रिस्पेक्टिव के, लेकिन रिलीजन को कभी भी अपने अंदर तक रखिए। अपने आप अपनी गर्लफ्रेंड होती है, आपकी बहन है, माँ है, अब कैसे उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है, ऐसे रिलीजन को इज्जत दीजिए, बाहर क्यों नहीं अपने दिल में रखिए, अपनी आत्मा में रखिए, तो तब जो है जाके हम तब जाके प्राउडली कह सकेंगे कि हम सब एक हैं, आप समझे। तो मैं जो है यही चीज बोलूंगा कि आप जो है सारी चीजें समाज का आईना सिनेमा होता है, लेकिन आईना जो है इतना मत ग्लेयर मारो कि आंखें चौधरी आ जाए, ग्लेयर मत मारो, आप समझ रहे। हम जब देखते ना वो क्या कहते लाइटिंग करते हैं, वो कैमरामैन क्या धूप में जो देते हैं रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर देते, तो कहते हैं रिफ्लेक्टर यार आंख में आ रहा है, इसको थोड़ा सा माइल करो, तो ये जो रिफ्लेक्टर है उसको थोड़ा सा माइल करो, ताकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जी सके, नफरत मत बढ़े। आप बचपन से देख रहे हो, मैं बचपन में काम कर रहा हूँ, आग लगे मस्ती में मस्त राम मस्ती में, अच्छा सोचिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, आप किसी को दे सके। मेरी एक ही फलसफा मेरा जीने का परोपकार, देना सीखो, देना सीखो, हर चीज देती है आपको कुदरत, देती है, देती है, अगर आप उसको छेड़ते हो तो लेती है, आप समझ रहे। तो परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दोहंती गगन, परोपकार बहंती नदियां, परोपकार इदम शरीर, ये सब देने के लिए बना है, जाना ही आपको सबको।
जब निश्वर है तो फिर किस बात का झगड़ा, किस बात का झगड़ा? हम सब लोग टेम्पररी हैं, हम सब भारूत हैं, भारूत भारूत है। क्या कहा कि माटी, क्या माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंद है मुझे, एक बखत कुमार से मिलने वाला है मुझे, किस बात की नहीं आ पाती, किस बात की नहीं आ पाती, इनको जितना सर इनको जितना बढ़ावा दिया जाए उतना तरक्की। स्वीट हार्ट फ्रेंड सुदेश बेरी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम टीवी के कल क्लासिक्स की बात करें, हम कशिश सीरियल की बात करें, हम इंस्पेक्टर बलसुरा की बात करें, या हम बॉर्डर फिल्म और वंश फिल्म की बात करें, आज भी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है, क्योंकि दोस्तों जनाब सुदेश बेरी साहब वो कलाकार है, इनकी मुस्कुराहट और इनकी डायलॉग अदाकारी के सामने हर अदाकार और कलाकार बेकार है। अरे भाई, डॉक्टर वैभव शर्मा ने भी आज तक चाय कॉफी शराब सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है, और मैं चाय कॉफी शराब और सिगरेट का नहीं, मैं गजल जिंदगी मोहब्बत और रूहानियत का नशा करता हूँ। अपनी नजरों से हर किरदार के आकार को पकने का हुनर रखता हूँ, मैं हकीकत बयान करता हूँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं सहरे आफ्ताब और शबे महताब का प्याला बनाया करता हूँ, और सूरज की रोशनी और चांद की नगमगी को पी कर ही जनाब सुदेश बेरी साहब मैं सुनने वाली इस दिलकश तरीने की आवाम मोहब्बत की गजल सुनाया करता हूँ। आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, जबकि मैं खुद उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुँच पाया जहाँ तक आप पहुँच गए, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो बस थोड़ा बहुत ट्यूशन हमको भी दे देना। अरे सर, बड़ी मीठी जबान है उर्दू, उसको समझने में बोलने में बड़ा मज़ा आता है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे माँ बाप। आई लव यू एंड आई लव यू, बिकॉज जब कोई मुझसे पूछता है अरे यार इतने सालों बाद मिले आप तो बदले ही नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ मौसम बदला करते हैं इंसान नहीं। अरे यार तुम इतने फिट क्यों हो? मैंने कहा इसलिए कि मैं दारू सिगरेट पीता नहीं। वो कहते नहीं तुम एक्टर हो गए, तुम पीते नहीं तो जीते कैसे हो? मैंने कहा ये देख लो तुम्हारे सामने मिसाल है, ये तुम्हारे सामने मिसाल है। और बेरी और वो आपने सुना होगा ना, लगा तोड़ने वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर, तो वो जो बेरी का बेर जो है वो गूगल मार के देखिएगा, 260 किस्म के बेरी हैं वहां पर, और 261 में सुदेश बेरी, और वो जो 260 है उसमें से सिर्फ 5 खाइए सिर्फ आप, और वो 5 में आपको कोई खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आप। और एक का नाम है गोजी बेरी, एक का नाम है अकाई बेरी, एक का नाम है सीबकथॉ बेरी, एक का नाम है ब्लू बेरी, और एक एंड अबव ऑल सुदेश बेरी। एंड वी लव यू सुदेश, वी लव यू। अब जो है मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बिकॉज भाषण जो है वो नेता लोग देते हैं, और डायलॉग जो है उसके लिए फिर पैसे दिए जाते हैं, आप देखिए सीधी सी बात। और ऐसे थोड़ी फ्री में डायलॉग बोल दूंगा। बंदर जो है वो गुलाटी मारना भूलता नहीं, लेकिन बंदर गुलाटी कब मारता है जब वो जंगल में होता है, वो रोड पे होता है तब वो पब्लिक को देखता रहता है कि कहाँ फंस गया मैं आके, तो इसलिए मुझे गलत जगह मत फंसाइए। सुराग का एक डायलॉग हो जाए। नहीं मैं जो है अभी आप मेरी ये जो भी बातें हो रही है ना हमारे यहाँ पर, ये बातें और ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल में सिर्फ मैं एक ही चीज ये बोलना चाहूंगा कि एक पहली फिल्म जब मैं जिसमें लॉन्च हुआ था वंश फिल्म में, उसमें मुहूर्त में जो